गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम फन विथ पेंट में रीसाइज पढ़ेंगे। ओके, रीसाइज मीन्स टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज। रीसाइज का मतलब होता है कि किसी भी इमेज के साइज को चेंज करना। दिस ऑप्शन श्रिंक और स्ट्रेचेस एन इमेज। ये जो ऑप्शन होता है वो किसी भी इमेज को श्रिंक या स्ट्रेच करता है। ओके, स्टेप वन, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द इमेज यू वॉन्ट टू चेंज। स्टेप वन में करेंगे, किसी भी जो पार्ट को आपको चेंज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप, क्लिक रिसाइज इन द इमेज ग्रुप, द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स ओपन। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इमेज ग्रुप पे जाके रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। वहाँ पे रिसाइज ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 हॉरिजेंटल और 100 वर्टिकल रिसाइज दिया होता है। ये नॉर्मल साइज़ होती है जो कि आपके इमेज को हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपको शो दिखाता रहता है, लेकिन आपको इसमें चेंज करना होता है। अब इसे चेंज करना होगा तो या तो 100 से कम करेंगे, 100 से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये आप चेंज करेंगे तभी आपके इमेज में चेंज दिखेगा आपको। ओके, स्टेप थ्री, नाउ यू कैन आइदर रिसाइज और स्क्यू द सेलेक्टेड इमेज। अब आप अपने इमेज को रिसाइज और स्क्यू कर सकते हैं। इंटर द परसेंटेज टू स्ट्रेच द इमेज। यहाँ पर हम इसके परसेंटेज को चेंज करेंगे इधर। ठीक है, अ वैल्यू मोर देन 100, मैंने बोला था ना कि 100 से ज़्यादा, अ वैल्यू मोर देन 100 विथ स्ट्रेच द इमेज एंड अ वैल्यू लेस देन 100 विल श्रिंक द इमेज। जब हम 100 से ज़्यादा करेंगे, 100 से जब ज़्यादा हम देंगे वैल्यू, तो वो क्या होगा, आपका इमेज स्ट्रेच हो जाएगा। और 100 से अगर कम देते हैं, लेस देन 100, तो वो आपका इमेज श्रिंक हो जाता है। ओके, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, और इंटर द वैल्यू इन डिग्री टू स्क्यू द इमेज। यहाँ पे डिग्री भी आपको दी होती है, ये देखिए स्क्यू में यहाँ 0 दिखा हुआ, हॉरिजेंटल वर्टिकल यहाँ पर 0 डिग्री होती है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जब आप चेंज करेंगे तो आपका जो इमेज होगा वो स्क्यू का मतलब तिरछा जैसे दिखेगा आपको। ओके, स्क्यू मीन्स टू गिव अ स्लांट। ओके, यू कैन स्क्यू हॉरिजेंटली और वर्टिकली। आप अपने इमेज को हॉरिजेंटली या वर्टिकली क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 150%, तो ये आपका नॉर्मल साइज़ है। 150 करने पर ये साइज़ आपकी इंक्रीज हो गई। ओके, अब यहाँ पे आपकी नॉर्मल साइज़ है, यहाँ पे 30 डिग्री हॉरिजेंटल स्क्यू देने पर ये 30 डिग्री पे स्ट्रेच हो गया। ओके, इस तरीके से हम आप करके देखते हैं कैसे होता है। ये आपका डायग्राम है, ये पिक्चर है, और यहाँ पे ये सेलेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन लेते हैं और जिस भी इमेज को आपको चेंज करना है रिसाइज के लिए, उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, उसका इमेज ग्रुप पे ये रिसाइज ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो मैंने आपको अभी बुक में दिखाया था। तो अभी हम रिसाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल 100 लिखा है, वर्टिकल 100 लिखा है, तो हमें 100 से ज़्यादा या 100 से कम, ठीक है, मोर देन 100 या लेस देन 100, तो हम इसको 100 से ज़्यादा करते हैं, 150। ओके, देन ओके, देखते हैं क्या चेंज होता है। 150 कर दिया तो ये आपकी साइज़ उससे बड़ी आ गई। ओके, के बाद फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर रिसाइज पे हम गए। अब हम वर्टिकली करेंगे चेंज। ठीक है, 100 है, 100 से हम कम करते हैं, अगर 50 कर देते हैं।